Hello everyone. Uh, this is module 1, lecture number 3 of design of concrete structures. Okay. So, uh, in this subject, we have discussed about the introduction of reinforcement cement concrete, and also we discuss about uh, philosophies which we use to design of reinforced concrete structure. In that, we have discussed about the working stress method and ultimate load methods. Okay. After that, we will discuss about the limit state method which is preferred by the IS code 456 2000. Okay. So, let me introduce to myself first of all, uh, myself Indresh Kumar Singh, Faculty of Department Civil Engineering, BBD and IIT Lucknow. So, design of concrete structures, के सीई सिक्स जीरो वन दिस इज द मॉड्यूल वन लेक्चर नंबर थ्री ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर डिजाइनिंग सो इन दिस एज अ टॉपिक शोज दैट अ सिंगली रेनफोर्स भीम वाई द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ओके सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अम विच वी डिजाइन वाई द वर्किंग स्ट्रेस मैथड एज is code 456 2000 say that we use the working stress method only when there is not possible of the use limit state methods okay. so for that if the condition will come that there uh, will not be use the limit state methods so then we need to use the working stress method that's why then what we do

सबसे पहले तो ये हो गया कि जो एज्यूशन यहाँ पे लिखे हैं वो मैंने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में उनको एक बार रिकेप कर लीजिए कि हमारा क्या होगा कि एक प्लेन सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग ठीक है ये तो रहेगा ही रहेगा द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर कंक्रीट एंड स्टील अंडर डिजाइन लोड वर्किंग और सर्विस लोड इज लीनियर मीन्स जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेच कर्व बनेगा इल्ड पॉइंट तक की हम वो उसकी स्ट्रेंथ कंसीडर करेंगे द टेंसाइल स्ट्रेस रजिस्टर्ड वाई इन कंक्रीट इज बेंडिंग इज जीरो एक्सेप्ट स्पेशली परमिटेड कह रहे हैं कि बेंडिंग में टेंसाइल स्ट्रेसेस जितनी भी होंगी वो सब कंक्रीट के द्वारा बिल्कुल नहीं कंसीडर की जाएंगी जीरो रहेंगी कुछ अगर स्पेशल कंडीशन ना हो तो यहाँ पे एक हम मॉडुलर रेशियो एम यूज कर रहे हैं जो कि टू एट्टी अपान थ्री सिग्मा सी बी सी है एक कांस्टेंट टर्म है जिसको मैं यूज करूँगा जो कि हमारा डिपेंड हो रहा है कंक्रीट की करेक्टरिस्टिक्स जो वैल्यू रहेगी उसकी कंप्रेसिव करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ जो है उस पर डिपेंड करेगी ये उस मॉडल रेशियो uh, आपका मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एंड मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील पे भी डिपेंड करता है तो ई एस अपान ई एम भी सॉरी ई एस अपान ई सी भी लिख सकते हो ये भी हमारा एम आ जाएगा इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका यूज करेंगे आगे अभी मैं देखता हूँ सिंगलिस रेनफोर्स बीम होती है कैसे होती है तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रेक्टेंगुलर टाइप की एक बीम बनी जिसको बीच से कट किया गया है यहाँ पे दिखाने आप की कोशिश आपकी की गई है कि ये देखिए बीम है और यहाँ पे ये इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊँ तो आपका कुछ क्रॉस सेक्शन इस तरीके से बनेगा ठीक है सॉरी ये सीधी लाइन है तो ये क्रॉस सेक्शन बनेगा और इसमें क्या है इसकी कोई एक न्यूट्रल एक्सिस होगी ये हमने मान ली न्यूट्रल एक्सिस और उसके बाद में इस न्यूट्रल एक्सिस में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे तो हमने इस तरीके से ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराई है ठीक है इस क्रॉस सेक्शन में आपने कहाँ की हैं सिंगल इन्फोर्समेंट डाउनवर्ड में क्यों क्योंकि ये बीम जो है अगर इस पर कोई लोड अप्लाई होगा तो ये कुछ बेंड ऐसे होगी ठीक है अगर बेंड ऐसे हुई हमारी तो अब क्या होगा इसकी न्यूट्रल एक्सिस होगी तो इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा ये पार्टिकल्स ऐसे दूर को जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेंशन जनरेट होगी तो यहाँ पे हम क्या करें अगर स्टील बार प्रोवाइड कराएंगे तो टेंशन स्ट्रेस को बियर करेगा कौन स्टील बार और ऊपर जो न्यूट्रल एक्सिस के मटेरियल है कौन सा हमारा कंक्रीट तो ऊपर नीचे दोनों है लेकिन इसके ऊपर जो रहेगी वो हमारा क्या होगा पार्टिकल्स ऐसे इसके आएंगे पास में ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा कंप्रेशन होगा और कंप्रेशन में स्टील बहुत सॉरी कंक्रीट बहुत अच्छी है तो ये कंप्रेसिव फोर्स जो रहेगा वो कौन बियर करेगा कंक्रीट और टेंसाइल फोर्स जो रहेगा उसको कौन बियर करेगा आपका स्टील करेगा तो ये जो बीम क्रॉस सेक्शन आपका बना दिख रहा है नीचे तीन रेनफोर्समेंट पर ही हैं आपकी यहाँ पर तो देखिए ध्यान से कि इस बीम में यहाँ पर ये न्यूट्रल एक्सिस बनाई गई है और इसके आगे क्या है आपका कि जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस के न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया गया है तो ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इतना जो किया गया आपका ये वाला ठीक है ये न्यूट्रल एक्सिस पे तो जीरो है उसके ऊपर जैसे जाओगे तो सबसे ऊपर वाले पे देखिए आपको मैक्सिमम दिख रहा होगा ठीक है और ये जो आपकी यहाँ पर हैं ये आपकी क्या है ये आपकी टेंशन में आपकी रेनफोर्समेंट डाली गई जो कि टेंशन फ़ोर्स को बियर करें कितना टेंशन फोर्स लग रहा है ये यहाँ पर टी आपको दिख रहा है ठीक है जो कंप्रेसिव फोर्स है ये देखिए इसके पूरी डायरेक्शन में ऊपर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है वो किसक कौन बियर करेगा कंक्रीट इसका मतलब हुआ क्या है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाली कंक्रीट का कोई यूज नहीं है ओके तो वो हमारे स्ट्रक्चर में लोड बियर करने के लिए कोई उसका यूज नहीं है ठीक है और यूज होते हैं वो बाद में बताएंगे तो ये सी से हमने डिनोट किया है कंप्रेसिव फोर्स जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं उनको बियर करते हैं टेंशन वाला जितना भी है वो सब हमारा कौन करेगा ये पूरा स्टील इन्फोर्समेंट वार ही आपका बियर करेगा ठीक है अब देखिए यहां पर उसी बीम का अगर मैं क्रॉस सेक्शन यहाँ पर बनाऊं तो आपका जो क्रॉस सेक्शन है ये क्रॉस सेक्शन आपका बना हुआ है ठीक है ये पूरा बीम का उसी बीम का है आपका पूरा क्रॉस सेक्शन जिस जो बीम हमने बनाई थी अभी ठीक है तो ये बीम का क्रॉस सेक्शन है उसकी ये न्यूट्रल एक्सिस है आपकी ठीक है ये न्यूट्रल एक्सिस है पूरी ध्यान रखिएगा इस बीम की जो विट्थ हमने एज्यूम की है वो ली है जो टोटल डेफ्थ ऑफ द वीम है रेक्टेंगुलर वीम क्रॉस सेक्शन का है वो कैपिटल डी है आपकी और जो आपका इफेक्टिव डेफ्थ है वो इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से होती है जहाँ भी आप रेनफोर्समेंट यूज करोगे उस रेनफोर्समेंट के सेंटर से और अवर्ड की पूरी यहाँ से एक्सट्रीम फाइवर तक की जो डेप्थ होती है वो हमारी इफेक्टिव डेप्थ होती है डिस इज डिनोट बाई द कैपिटल डी यहाँ पर जितनी भी हम स्टील रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं उसकी एरिया जो है वो हमने ए एस टी कर ली है ए एस टी ओके ठीक है ये हमने मान ली है अब ध्यान से देखिए ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम है आपका स्ट्रेन डायग्राम जो है ये जो डायग्राम ऊपर का बन रहा है देखिए ध्यान से बिल्कुल लीनियरली वेरी कर रहा है यहाँ तक ठीक है तो ये जो इस पर स्ट्रेस आ रही होगी स्ट्रेन सॉरी वो हमने डिनोट की है ई वी सी मतलब वेंडिंग में कंक्रीट की जितनी भी स्ट्रेन है और यहाँ पर डिनोट किया ईएसटी टी मतलब स्टील पे जितनी भी स्ट्रेन आ रही होगी अब देखिए ये यूनिफॉर्म है यही यहीसन बता रहे थे कि जो प्लेन सेक्शन रहता है वो बिफोर द बेंडिंग आफ्टर द बेंडिंग भी प्लेन ही रहेगा रिमेन तो वो उसमें स्ट्रेंथ जो रहती है वो बिल्कुल लीनियरली वेरी करती है अब बात आ रही है कि न्यूट्रल एक्सिस से ड्रॉ कहाँ से कर दी है ठीक है तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ ड्रा किए हैं किसी के मनो कोई कहे यहाँ से ड्रा करें कोई नहीं इसको मैंने अगर कहीं से भी एक ड्रा की है उसकी डिस्टेंस जो न्यूट्रल एक्सिस की है वो हमने के डी एज्यूम कर ली है ठीक है के डी इसको एन से भी डिनोट कर देते हैं कहीं कहीं तो के डी हमने ज्यूम किया है ये क्या है कि हमारे टॉप फाइवर से उस न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस के डी से के क्या एक फैक्टर है हमारा कौन सा है डेप्थ फैक्टर जो रहेगा कि जो हमारी इफेक्टिव डेप्थ है वो यहाँ पर के टाइम्स डी के न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगी कैसे आएगी के की वैल्यू वो भी हम बताएंगे अगर इसका स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किया जाए तो हमको पता है कंक्रीट पे जो हमारी स्ट्रेस रहेगी टॉप फाइबर पे वो आपकी यहाँ पे दी गई एफ सी वी सी ओके तो ये हमारी एफ सी वी सी जो दी गई है ये हमारी क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंस जो है करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट ठीक है और उस अगर वो लीनियरली वेरी कर रहेगी जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस तरफ बढ़ते जाओगे न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों इक्वल होते हैं इसलिए यहाँ पर जीरो रहेगा और ये टेंशन हो गया ये टेंशन आपका किस में रहेगा ये देखिए यहाँ पर डैश डैश है क्यों क्योंकि यहाँ पर टेंशन केवल इसमें स्टील में लग रही है तो ये लाइन हमने डैश डैश केवल डायग्राम पूरा किया है ये हमारा टेंसन फोर्स हो गया ये इस पॉइंट पर अप्लाई हो रहा होगा कहाँ बीम पे लेकिन जो कंप्रेशन सी फोर्स है ये कहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा ये पूरे इस रीजन के सेंटर पे अप्लाई हो रहा होगा अब बात आई कि ये कहाँ पे अप्लाई हो रहा है सेंटर पे दिख रहा है ट्रेंगल है तो ट्रेंगल अगर पूरा होता तो उसको हम यहाँ से डिनोट कर देते कि उतने पॉइंट पर कहीं पे अप्लाई हो रहा है टू बाई थ्री बाई एच जितनी भी हमारी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ हो गई ठीक है तो ये बात ध्यान रखिए अभी कहाँ पे होगा ये वैल्यू निकालेंगे सेंटर पे होगा इसके पूरे सेंट्रॉयड पे कितना लगेगा कंप्रेसिव फोर्स लगेगा इस टेंशन फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स जो है इन दोनों बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं लीवर आर्म ठीक है क्या बोलते हैं लीवर आर्म बोलते हैं जो हमारी दोनों कंप्रेसिव फोर्स जो कि कंप्रेशन जोन में लग रही है टेंशन जोन में स्टील पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में तो ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो लीवर आर्म होती है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो टोटल फोर्सेस इनटू लीवर आर्म चाहे कंप्रेसिव कर दीजिएगा चाहे टेंसाइल वाला फोर्स कर दीजिएगा ठीक है तो ये बेसिक सिंगली एनफोर्समेंट डिजाइन कर रहे हैं हम लोग अभी वर्किंग स्ट्रेस से कर रहे हैं तो के डी हमने मान लिया है कैसे के डी की वैल्यू आएगी क्या फोर्स सी की वैल्यू क्या आएगी टी की वैल्यू क्या आएगी ये बताएंगे तो आप ध्यान रखिए ये स्ट्रेन डायग्राम ये स्ट्रेस डायग्राम ये कोई बीम है इसमें कंक्रीट फिल है यहाँ पर हमने रेनफोर्समेंट डाली है इस कंक्रीट में हमारा जो स्ट्रेन जनरेट होगी इसके टॉप फाइबर पे वो हमने ईवीसी से डिनोट किया है यहाँ स्टील में जो होगी देखिए इसके सामने बना है तो स्टील में जो होगी वो ईएसटी से डिनोट किया है यूनिफॉर्मली वेरी करेगा ये एज्यूमशन हम जानते हैं जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है वो हमने के डी एज्यूम है के टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ दिस इज द टोटल डेप्थ यहाँ पे एक जो कवर प्रोवाइड किया जाता है ठीक है तो वो रहेगा और ये हमारे सेंटर ऑफ इन्फोर्समेंट से जो डेप्थ होती है टॉप तक की वो हमारी इफेक्टिव डेप्थ होती है स्ट्रेस डायग्राम बनाए तो स्ट्रेस डायग्राम में हमने देखा कि टॉप सरफेस पर जितनी भी स्ट्रेस आएगी वो आपकी आती है एफ सी बी सी करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेस जो रहेगी कंप्रेसिव करेक्टरिस्टिक स्ट्रेसेस यहाँ पर रहेगी ठीक है वो यूनिफॉर्मली वैरी कर रही होगी सेंटर पे न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होती है क्योंकि वहाँ पे दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस जितनी भी जनरेट हो रही वो हमारी कौन बियर करेगा रेनफोर्समेंट तो हमने उसको टी से डिनोट किया ठीक है और ये एरो बना दिया कि ये हमारा क्या कर रहा है टेंसाइल फोर्स को वियर कर रहा है और ये टेंसाइल फोर्स हो गया ये कंप्रेसिव फोर्स हो गया ये इस रेनफोर्समेंट के सेंटर पे अप्लाई होगा कंप्रेसिव फोर्स इस वाले जो स्ट्रेस डायग्राम है इसके सेंटर पे अप्लाई होगा कहां पे होगा अभी बता रहे एग्जैक्ट पोजिशन तो अब देखिए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती उसको है उसको लीवर आर्म बोलते हैं हमने ठीक है अब देखिए यहां पर तो स्टेप बाय स्टेप समझिए सिंगली रेनफोर्समेंट बीम जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से जब हम निकाल रहे होंगे तो डी हमने माना है ठीक है तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मे बी कैलकुलेटेड एज फॉलो कैसे हम निकालेंगे देखिए बीम हमने बनाई अब बीम पे हमारा लोड अप्लाई होगा उस लोड को करे तो रजिस्टर करने के लिए कितना जब बेंडिंग में होगा तो बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट होगा तो रजिस्टिंग बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा उसके लिए क्या होगा उसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी ड्यू टू तो द स्ट्रेन वो हमारे क्या कर रहे होंगे स्ट्रेन जो होंगी वो स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे रजिस्ट्रिंग मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे तो वही रजिस्टर करेगा तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे कितना आएगा वो चीज जान रहे हैं तो इसमें कुछ फैक्टर्स जो हैं वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे जो रेज्यूम किए तो सबसे पहले आप देखिए कह रहे हैं स्टेप वन स्टेप वन से आप क्या करोगे जो ये केडी हमने माना है न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ ये कैसे फाइंड करोगे तो अगर इस स्ट्रेन डायग्राम से आप देखिए तो दोनों आपके डायग्राम देखिए दोनों ट्रेंगल सिमिलर ट्रेंगल हैं कॉन्ग्रेन ट्रेंगल हैं ठीक तो है तो अगर सिमिलर ट्रेंगल हैं तो फ्रॉम दिस ट्रेंगल वी नो क्या करें कि ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी ये टोटल डी है तो ये वाली डिस्टेंस जो यहां पे बचेगी ये क्या हो जाएगी डी माइनस के डी ठीक है कितनी हो जाएगी डी माइनस के डी आपकी हो जाएगी देखिए एक मिनट ठीक है ये डिस्टेंस जो है आपकी ये कितनी हो गई डी माइनस के डी ठीक है और ये डिस्टेंस कितनी है ये के डी आपकी गिवन में है ओके तो अब ये डिस्टेंस गिवन में है और इसका क्या है ये वाली जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो स्टील की है और ये स्ट्रेंथ किसकी है ये कंक्रीट की है तो इन दोनों ट्रैंगल से अगर हम बात कर रहे हैं तो आप लिख सकते हो एफ सी बी सी अपान के डी इक्वल टू एफ सी डी अपान सी डी देखिए ध्यान से इस ट्रैंगल में अगर मैं लिखना चाहूँ ई सी बी सी अपान के डी ठीक है और उस या स्ट्रेस इस इसमें आ जाओगे तो इससे बना सकते हो कि आप क्या बनाओगे इस वाले डायग्राम में देखो सिमिलर ट्रेंगल से तो ये डिस्टेंस तो सेम यही रहेगी d माइनस के डी ठीक है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है ये हमने एज्यूम की है के डी किस न्यूट्रल एक्सेस की तो दोनों ट्रेंगल से अगर बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ सी बी सी अपान के डी और एफ सी टी अपान डी माइनस के डी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे स्ट्रेस डायग्राम से हम बना रहे हैं ठीक है जहाँ स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम से कैसे चीज़ें कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से जो एफ सी टी आया है कि मतलब क्या आया है एफ सी टी जो आया है किसका जो रेनफोर्समेंट में टेंसाइल फोर्स होगा उसकी जो स्ट्रेसेस आ रही है वो एफ सी बी अपन के डी डी माइनस के डी इसको अगर मैं सॉल्व करूँ डी कॉमन मिल जाएगा तो डी से डी कैंसिल तो हमारा बचेगा एफ सी सी वन माइनस के अपन के ठीक है ये चीज आपको मिल गई है कि एफ सी टी कितना आ जाएगा स्ट्रेसेस इन स्टील में जो रहेगा वो हमारा कंक्रीट uh, की जो स्ट्रेसेस होगी उससे कैसे हमारी रिलेट होगी कितनी टाइम्स होगी वन माइनस के अपान के अब ये के अभी वैल्यू नहीं आप पता कर पा रहे हो ठीक है के क्या है ओके ये हम देखो आपको बता रहे हैं क्योंकि के डी भी ज्यूम किया था हमने तो हमें न्यूट्रल एक्सेस भी तुरंत पता चल जाएगी स्ट्रेस भी पता चल जाएगी तो हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे अब आते हैं पहले स्ट्रेन डाइग्राम पर अब स्ट्रेन डाइग्राम कहाँ बनाए ओके ये वाला डायग्राम देखिए तो स्ट्रेन डायग्राम पर जब गए दोनों डायग्राम को देखिए तो स्ट्रेन डायग्राम से हमने देखा कि हमारा क्या मिल जाएगा एफ एस टी अपान ई एस टी इक्वल टू एफ सी टी अपान ई सी ओके तो ये हमारा मिल जाएगा क्यों मिल जाएगा क्योंकि अगर हम देखें ध्यान से इस इक्वेशन में तो एफ सी बी सी अपान एफ एस सी टी लिख सकते हो और के डी अपान डी माइनस के यहाँ पर लिख सकते हो भाई इसको अगर हम यहाँ कर दें तो हमारा हो जाएगा एफ सी वी सी अपान एफ सी टी इक्वल टू के डी ओके के डी अपान डी माइनस के डी ठीक है ये बन गई और अगर स्ट्रेन डायग्राम में जाएं तब क्या लिख सकते हो आप तो वहां पर आप लिख सकते हो ई सी अपन ई एस टी इक्वल टू के डी अपॉन डी माइनस के डी ठीक है तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं तो वही दोनों इक्वेशन से हमने अगर मैच किया तो हमारा मिल गया क्या मिल जाएगा एफ एस टी अपान एफ सी टी इक्वल टू ई एस टी अपान ई सी ठीक है ये चीज़ आपको मिल जाएगी उस डायग्राम से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हमको ये चीज़ मिल गई तो हमें पता चल गया है यहाँ से एफ सी टी क्या आ जाएगी ई सी अपान ई एस टी एफ एस टी ये आ गया अच्छा वो क्या था आपका सी टी क्या लिखा ये कंप्रेशन में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो होगी उसकी बात कर रहे हैं ठीक है तो ध्यान रखिएगा तो फिर हमारा ई सी अपान ई एस टी आ गया अगर हम ई सी अपान ई एस टी को इन्वर्स करें मतलब ई एस टी अपान ई सी तो ये क्या आ जाएगा इसको हमने एक टर्म दिया है एम से डिनोट किए हैं जो कि मॉडलर रेशियो आपका है ठीक है तो यहाँ पर आपको मॉडलर रेशियो मिल जा रहा है दोनों डायग्राम से आप समझ सकते हो जो कि एफ एस टी इक्वल टू कितने टाइम्स आ जाएगी जितनी भी स्ट्रेस हमारी स्टील में होगी और जो कंक्रीट में होगी तो कंक्रीट की स्ट्रेस जो है वो कितनी कम होगी वो वन वाई एम होगी मतलब कि जो स्ट्रेस स्टील वार्म में होगी वो टाइल में ओके okay, तो कंक्रीट के कंपेयर में कितनी होगी एम टाइम्स होगी अब एम क्या है ये मॉडलर रेशियो है मॉडलर रेशियो एम क्या है हमारा ये क्या होता है मॉडलॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और डिवाइड बाय मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट अगर दोनों दिए तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो या आप कोड से आप समझ सकते हो कि इसका फार्मूला दिया गया है कि एम इक्वल टू टू एट्टी पॉइंट थ्री सिग्मा सी बी सी है जी उन्सन फोर जो दिया अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है थीके? तो आप यहाँ से ये बात तो समझ गए हो कि एम क्या आ गया अभी के की बात अभी नहीं समझो दूसरी चीज़ जो सी हमारा होगा वो टी के इक्वल होगा तो सी टी अगर इक्वल है इन दोनों को मैं एक इक्वल रख दूं फ्रॉम इक्वेरियम फोर्स ऑफ इक्रियम से तो सी इक्वल टू सी माइनस टी इक्वल टू क्या होगा जीरो तो सी इक्वल टू टी हो जाएगा जीरो अब देखिए ये कैसे आया सी क्या हमारा ये कंप्रेसिव फोर्स है टी क्या है टेंसाइल फोर्स है अब फोर्सेज क्या होते हैं हमारा फोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं आपके स्ट्रेस इन एरिया ओके फोर्सेस क्या होते हैं स्ट्रेस इनटू एरिया और स्ट्रेस क्या होगी हमारी कि देखिए स्ट्रेस अगर मैं टेंसाइल फोर्स की बात करूं तो उसमें हमारा स्ट्रेस कितना है एफ एस टी इन एरिया कितना है ए एस टी ये तो आसान हो गया टेंसाइल फोर्स निकालना कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकालोगे कंप्रेसिव फोर्स जो स्ट्रेस डायग्राम होता है उसकी अगर एरिया आप कैलकुलेट कर लो तो वो हमें फोर्स दे देता है तो यहाँ पर ये वाला जो है डायग्राम तो इसकी अगर मैं एरिया निकालूँ तो क्या आ जाएगी वन वाई टू इंटू एफ सी वी सी ये इसका बेस हो गया और ये डिस्टेंस आपकी हो गई के इंटू डी ठीक है तो ये हमारा क्या मिल जाएगा कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फ़ोर्स कितना मिल गया यहाँ पर आपका ये मिल गया आपको एफ़ एस टी इंटू ए एस टी ठीक है दोनों को इक्वेट कर दिए हैं फॉर द इक्ब्रियम तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया ये एक इक्वेशन मिल गया इसको ध्यान रखिएगा ठीक है अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे फोर्थ पॉइंट में हम क्या एनालिसिस करेंगे बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट आप एनालिसिस कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे तो सेम टू सेम सॉल्व करने हैं तो अप्लाइड बेंडिंग मूवमेंट इक्वल टू रेजिस्टिंग बेंडिंग मूवमेंट मतलब कोई भी अगर बीम है तो उस पर जितना भी हमारा बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा होगा अगर ये लोड है इसके कारण हमारा कितना बेंडिंग मोमेंट वहाँ आ रहा है तो इसमें कितना रजिस्टिंग मोमेंट होगा वो इसके इक्वल होगा तो रजिस्टिंग मोमेंट हमने बताया बेंडिंग मोमेंट क्या होता है तो बेंडिंग मोमेंट जो रहेगा आपका वो रहेगा फोर्स इंटू डिस्टेंस ठीक है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अब डिस्टेंस जब मैंने बात की थी आपको डायग्राम बनाए हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से इस डायग्राम में तो ये वाला कंप्रेसिव फोर्स है यहाँ पर और ये वाला टेंसाइल फ़ोर्स है इन दोनों के बीच में ही तो ये डिस्टेंस लीवर आर्म एलमानी थी अब जो हमारा बेंडिंग क्रिएट होगी वो इन्हीं के कारण तो होगी क्रिएट तो ये हो गया कि ये इन टू ये डिस्टेंस ठीक है तो आपका जो मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ रजिस्टिंग वो मोमेंट ऑफ अप्लाइड के इक्वल होगा वो क्या होगा कंप्रेसिव फोर्स या लीवर आर्म कर दीजिए या टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म कर दीजिए ठीक है दोनों के इक्वल ही रहेगा तो कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म करेंगे तो कंप्रेसिव फोर्स कितना है हमारा वन अपॉइंट टू एफ सी वी सी वी के डी अभी मैंने आपको बताया कैसे आपका आया था उसके बाद में ये आपका आ गया है लीवर आर्म अब ये लीवर आर्म कैसे आपका आ गया है तो आपको ध्यान देना है कि ये कहाँ से है लीवर आर्म डी माइनस के डी अपॉन थ्री तो इस डायग्राम में अगर आप जाएँ तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था ना ये फोर्स अप्लाई कहाँ रहा होगा इस पॉइंट पे ठीक है इसके सेंट्रॉयड पे तो सेंट्रॉइड पे अगर मैं बात करूं तो ये कितना होगा ये ट्रेंगल का सेंट्रॉयड इधर से के डी अपान थ्री तो इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस डी है इसमें से इतनी डिस्टेंस माइनस कर दी गई के डी अपान थ्री उसके सेंट्रॉयड से ठीक है तो इसीलिए आपको यहाँ पर लिखा है डी माइनस के डी अपान थ्री ठीक है और ये हो गया एफ एस टी एरिया अगर आप ये वाला फोर्स रख एक इक्वेशन रखनी है दोनों नहीं ठीक है एफ एस टी एस टी डी माइनस के डी ये लीवर आर्म हो गया ये फोर्स हो गया आपका ओके okay? सिंपल सा आपको ध्यान रखना वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम क्या कर रहे हैं स्ट्रेस इन टू एरिया जो उसके डायग्राम को बनाए थे वो हमारा फोर्स दे दिया फोर्स में लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हमको मूवमेंट दे देगा ठीक है तो ये मूवमेंट दिया है तो हमने ये दोनों इक्वल रखे हुए हैं अब क्या करना है इनको अगर यहाँ से हम डी कॉमन ले लें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये एक पॉइंट बच रहा है इसको हमने क्या किया है वन अ पॉइंट टू एफ सी वी के जे वी डी लिखा है मतलब इस वाले को वन के वन माइनस के अपान थ्री को एक नया टर्म दे दिया वो जे से डिनोट कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ये आ गया हमारा एफ सी वी से क्यों क्योंकि जे इक्वल टू हमने मान लिया वन माइनस के अपान थ्री अभी भी आप के के लिए कन्फ्यूज हैं टेंशन मत लीजिए ठीक है तो ये के अपान थ्री आ गया जे इक्वल टू समझ गए ये कांस्टेंट टर्म हो गया तो अब हमारा कंप्रेशन में वो वन अपान टू एफ सी वी से के जे वी डी स्क्वायर अब हमें पता है एफ सी वी सी हमारा करेक्टरिस्टिक जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी ठीक है वो मिल जाएगी कोई बात नहीं उसमें कांस्टेंट रहेगी के हमारा कांस्टेंट ही रहेगा जे हमारा कांस्टेंट रहेगा बी डी स्क्वायर डायमेंशन तो हम मोमेंट को क्या लिख सकते हैं इसको एक और टर्म हमने मान लिया है आर और दिस इज डिनोटेड बाई वन पॉइंट टू एफ सी बी सी के जी तो हमारी जो मूवमेंट ऑफ रजिस्टेंस आ गया वो आ गया आपका आर बी डी स्क्वायर अब आपके आई ए स्कोड में पूरी आर की वैल्यू सभी दी गई हैं इन सभी कॉन्स्टेंट के लिए तो वहाँ से आप देख सकते हैं तो आपको ये पता चल गया कि मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है बेंडिंग मूवमेंट या अप्लाइड मूवमेंट का आर बी डी स्क्वायर वो लिखा हुआ है नीचे और ये तो हमारा अगर स्टील का रखोगे तो एफ एस टी एस टी जे डी रखोगे ठीक है कैसे फार्मूला आया सिंपल सा बेंडिंग मूवमेंट का तो ये आप समझ गए हो क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल में इन्हीं को यूज़ करेंगे ठीक है तो आप लोग ये जान गए होंगे अब बात ये आई है कि सर ये वेंडिंग मोमेंट आ गया तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई आ, से सिंगली रेनफोर्स बीम डिजाइन करते हैं तो उसमें तीन केस ये बन जाते हैं कि हमारी कंक्रीट गेन कर रही है कोई चीज़ या स्टील गेन कर रही है या स्टील ज़्यादा हो गई है या कंक्रीट कम हो गई है ठीक है या क्रॉस सेक्शन बढ़ाएं तो उसके बेसिस पे क्या होता है थोड़ा वहाँ पे एक तीन कंडीशन बताई गई हैं जो आरसीसी में यूज करते हैं उन तीन कंडीशन का नाम है कि एक तो हमारा बैलेंस सेक्शन दूसरा अंडर रेनफोर्स सेक्शन और तीसरा ओवर रेनफोर्स सेक्शन ठीक है तो ये तीन हमारे टाइप के जो रहते हैं सेक्शन डिजाइन किए जाते हैं एक बैलेंस सेक्शन

ठीक है अंडर एनफोर्स में क्या होता है जैसे कि नेम बताता है कि अंडर से इसमें क्या होता है वन ऑफ विस एरिया ऑफ टेंसाइल एनफोर्स प्रोवाइड इज लेस देन दैट रिक्वायर फॉर द बैलेंस सेक्शन अगर जो टेंसाइल हमने स्टील प्रोवाइड की है अगर उनकी कम हो गई हमारी एरिया जो हमें बैलेंस सेक्शन के लिए चाहिए तो क्या हो जाएगा वो हमारा अंडर एनफोर्स हो जाएगा इसमें स्ट्रेसेस क्या होंगी कम रहेंगी किसमें कंक्रीट की लेस देन सी सी उसकी जो हमारी परमिशिबल स्ट्रेस रहती है ठीक है एक तो एरिया वाला टर्म हो गया और एक ये स्ट्रेस वाला हो गया तीसरा है हमारा ये देखो बना हुआ है डायग्राम आप देख सकते हो ध्यान से कि इसमें हमारा जो एक्सट्रीम पॉइंट बैलेंस के लिए था वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं कंक्रीट तो अपनी एक्सट्रीम तक पहुँच गई क्योंकि इसकी एरिया कम है तो पहले पहुँच गई लेकिन वो सॉरी स्टील कंक्रीट नहीं पहुंची तो ये डायग्राम यहाँ से ड्रॉ किया गया ठीक है तो ये इसलिए ड्रॉ किया गया कि ये जो हमारी इसकी कंप्रेसिव करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ थी वहां तक नहीं पहुँचे उससे पहले फेल होकर गया स्ट्रक्चर तो फिर ये हमारा बैलेंस सेक्शन तक नहीं पहुँचा तो फिर ये हमारा अंडर रेनफोर्स हो जाएगा ओवर रेनफोर्स में क्या हो जाएगा ठीक है ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या हो जाएगा यहाँ पर ओवर रेनफोर्समेंट हमारी ज़्यादा उसमें हम एस टी प्रोवाइड करा देंगे तो क्या होगा ये तो हमारा एक्सट्रीम तक पहुँच जाएगा लेकिन ये वाला नहीं पहुंचता है ठीक है इसकी एरिया ज़्यादा हमें स्टील की देते हैं तो नहीं पहुंचता तो वो ओवर इनफोर्स सेक्शन हो जाता है ओके तो आई होप कि आपको ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड से प्रोसीजर समझ गया मूवमेंट कैसे निकालते हैं वो मूवमेंट फार्मूला आ गया आर बी डी स्क्वायर आर वहां पे क्या है वन अपॉइंट टू सिग्मा सी बी सी इन के जे वेयर जे क्या है हमारा वन माइनस के अपॉइंट थ्री ये ध्यान रखना है ठीक है कैसे आया ये चीज़ें आप देख सकते हो इससे रिलेटेड अब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं ठीक है यहाँ पर आपने ये देख लिया ओके क्लास थैंक यू